खबरें फटाफट में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। उपमंडल नादौन के कश्मीर पंचायत में दो भाइयों के मकान बारिश की वजह से बुरी तरह जर्जर। पूर्व सैनिक का परिवार अब अपने ही मकान में रहने से डर रहा। प्रतिभा सिंह ने नाचन विधानसभा क्षेत्र दौरे के दूसरे दिन रविवार को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों से की मुलाकात व ढांढस बंधाया। हिमाचल प्रदेश में बारिश के तांडव के बाद जहां सड़कें सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं, वहीं सड़कों के साथ प्रदेश का पर्यटन कारोबार भी इसकी चपेट में आया है। ऐसे में औंधे मुंह गिरा जुलाई अगस्त में पीक पर रहने वाला सीजन। जिला पुस्तकालय कुल्लू बिना अधिकारी से पिछले 8 वर्षों से चला हुआ है। यहां पर मात्र एक क्लर्क के सहारे ही देखी जा रही सारी व्यवस्था। कुल्लू से मंडी तक बंद पड़े मार्ग के दौरान फंसे वाहन चालकों व पर्यटकों को दो वक्त का खाना मुहैया करवाने में विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से उपलब्ध करवाई सुविधा। कुल्लू मंडी वाया कमांड सड़क जो पिछले दिनों भारी बारिश से हुए भूस्खलन के कारण जगह जगह क्षतिग्रस्त व यातायात के लिए अवरुद्ध चली आ रही थी, उसे यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कांगड़ा जिला में देहरा की दगड़ पंचायत में मॉनसून से हुए नुकसान का लिया जायजा। एक महीने से चली आ रही पानी की समस्या को लेकर ऊना वासियों का जल शक्ति विभाग के खिलाफ फूटा गुस्सा। आगामी अक्टूबर माह से चाइना में होने वाली एशियन गेम्स के लिए हिमाचल की 5 बेटियां व 1 बेटा इंडिया कबड्डी टीम का बनेंगे हिस्सा। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए देश भर के शिक्षकों की सूची जारी की। हिमाचल प्रदेश के शिक्षक का नाम भी फाइनल हुआ। इसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल महोटली इंदौरा के शिक्षक विजय कुमार का चयन राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए हुआ है। सुलह क्षेत्र के अंतर्गत गुगा छत्री मंदिर सलोहा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई युवाओं ने रक्तदान कर सहयोग दिया। पांवटा साहिब के गिरिपार क्षेत्र के शिलाई के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर रोंगटे खड़े करने वाली वीडियो वायरल हो रही है। सड़क की सही कटिंग न होने की वजह से सड़क इतनी तंग है कि यहां से सवारी भरी बसों का गुजरना मुश्किल हो गया है। आनी में नए बस अड्डे के समीप गुरुवार को भूस्खलन के कारण जमींदोज हुए 9 भवनों के मलबे को हटाने का कार्य रविवार को शुरू हो गया। खबरें फटाफट में, इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।